क्या नाम है आपका? करुणानाथ। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी को आज हम जिस स्थान पर लेकर के जा रहे हैं, जिस स्थान पर हम यहाँ उपस्थित हैं, उस स्थान के बारे में आज तक केवल आपने सुना ही सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा, केवल चर्चाएं की होगी, लेकिन उस स्थान के ऊपर हम सब अभी आपको लेकर के आए हैं। उस स्थान का नाम है मेयोंग, जो कि माँ कामाख्या की धरती आसाम से 40 किलोमीटर दूर यह स्थान है। और यही वह स्थान है जहाँ पर प्राचीन काल में किसी समय नाथ संप्रदाय का प्रभुत्व रहा करता था, नाथ संप्रदाय का बाहुल्य रहा करता था। आज भी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो कि नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आइए हम आज यहाँ पर जो है चर्चा करते हैं श्रीमान करुणानाथ जी महाराज से। और श्री जो है करुणानाथ जी महाराज, अभी जो ये मेयोंग का जो तांत्रिक म्यूजियम है, इस तांत्रिक म्यूजियम के यहाँ पर अभी ये चौकीदार भी है, यहाँ के व्यवस्थापक भी है, यहाँ की सारी व्यवस्था का देख रेख आप स्वयं करते हैं। आइए हम इनसे जो है थोड़ी सी इस विषय में चर्चा करते हैं। श्रीमान नमस्कार जी आपको। यह जो स्थान है यहाँ का, मेयोंग का क्या इतिहास है, क्या इसकी प्राचीनता है, यहाँ की क्या कथा है? ये तो पहले का जो म्यूजिक का हम लोग का जो गोवर्धना मेयोंग का गोवर्धना केंद्र म्यूजियम जो पुराना कम से कम 200-300 वर्ष पुराना का सामान है इसमें मेयोंग में जो माटी खांडे और कोला काठी से जो खून मूल का सामान है इसमें जो मेयोंग का जो म्यूजिक का जो तांत्रिक बहुत पहले था अभी तो जो इसमें है अभी तो बुद्धा दिन हो गया इसलिए बुक इसमें रखा हुआ है। श्री करुणानाथ जी का कहना है कि जो प्राचीन काल का जो हस्तलिखित और दुर्लभ साहित्य था वो अभी इस संग्रहालय में रखा गया है। और प्राचीन काल के अंदर जो तांत्रिक हुआ करते थे वो किस प्रकार से अपनी कार्य शक्तियों के माध्यम से और अपनी तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से किस कौन कौन सी वस्तुओं से कार्य करते थे, चमत्कार करते थे, तो सारी की सारी वस्तुएं इस संग्रहालय में स्थापित हैं। और इस जो संग्रहालय में स्थापित है वह बहुत ही बहुत प्राचीन और सैकड़ों वर्ष पुरानी ये वस्तु बताई जाती है। और अंदर हम लोग अभी जो देखें तो वास्तव में बहुत ही दुर्लभ यहाँ पर वस्तु हैं। आप भी कभी आइए तो यहाँ पर अवश्य दर्शन कीजिए। तो करुणानाथ जी, आप ये बताइए कि इस जो आपका ये मेयोंग स्थान है, इसमें नाथ संप्रदाय का क्या इसमें परिचय है और नाथ संप्रदाय का इससे क्या संबंध रहा है? मतलब यहाँ पर नाथ संप्रदाय कितने परिवार है, लोग है या नहीं है, नाथ संप्रदाय यहाँ पर जिंदा है या नहीं है? नाथ संप्रदाय आदमी इसमें तो कम से कम 500-600 आदमी इसमें है मेयोंग में। हम लोग का एक खेल, हम लोग का इसमें खेल बोलता था, तीन खेल है इसमें। एक खेल में प्राय 250 लोग है एक खेल, और दूसरा 200-150 ऐसा खेल फुटबॉल के इसमें मेयोंग में कम से कम 100 आदमी है इसमें। श्री करुणानाथ जी ये कह रहे हैं कि इस स्थान के ऊपर करीब 500 लोग ऐसे हैं जो कि नाथ परंपरा से, नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं। और वहाँ पर ये नाना प्रकार के मतलब तांत्रिक वस्तुओं से ये सब कुछ तांत्रिक चमत्कार किया करते थे। और इसी प्रकार से इन्होंने नाथ संप्रदाय को तो अभी तक यहाँ पर जिंदा रखे हुए हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है श्रीमान करुणानाथ जी से मिलकर के, क्योंकि मैंने सुना था कि माँ कामाख्या और आसाम की धरती जो कि नाथ संप्रदाय के चमत्कारों से अभिभूत और नाथ संप्रदाय का आज के हजारों वर्ष पूर्व गढ़ रही थी, यहाँ गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के जो प्राचीन स्थान हुआ करते थे उनके अवशेष बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमको यहाँ ठेठ अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नाथ संप्रदाय के दर्शन हो रहे हैं श्री करुणानाथ जी के माध्यम से। यह हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा करुणानाथ जी, आप ये बताइए कि आप लोग जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं उसके अंदर कौन कौन से देवी देवताओं की पूजा करते हैं? हम लोग को वो एक हम लोग का निजे पूजा किया था भगवान का जो शिव बाबा और गांव में जो हम लोग का जो 200 घर आदमी है इसमें विष्णु पूजा और हम लोग किया था वो आगे मंदिर है शिव पूजा किया था हम लोग शिव गुट का आदमी है हम लोग का नाथ मानो। अच्छा गए शिव पूजा हाँ। आप ये कह रहे हैं कि नाथ संप्रदाय के अंतर्गत जो आदिनाथ भगवान शिव की पूजा है, ये भगवान शिव की पूजा करते हैं और इनका पूरा परिवार भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा है।
और अभी भी नाथ संप्रदाय को जीवित रखे हुए हैं। अच्छा, गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ से संबंधित या मैनाकिनी से या कामरूप देव से संबंधित कोई यहाँ की जानकारी हो आपको कि भाई यहाँ पर इस प्रकार का राजा राज था, राजा मत्स्येंद्रनाथ शासन करते थे, मैनाकिनी रानी थी, ये कामरूप देश हुआ करता था, स्त्री का देश था, स्त्रियाँ यहाँ शासन करती थी, ऐसा कुछ है यहाँ के बारे में? हम लोग मालूम नहीं थे। अच्छा, नहीं मालूम होगा, हम लोग का मालूम नहीं। हाँ हाँ, तो यहाँ पर गुरु गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ से संबंधित कोई मंदिर वगैरह या इस प्रकार का कोई? तो गांव में है, जो एक गोरखनाथ का मंदिर है यहाँ पर। पहले कम से कम 10 साल के आगे गोरखनाथ हम लोग का माइंड में आया था। वो मंदिर है, विष्णु मंदिर है, उसमें 3-4 दिन बैठा है हुआ है। गोरखनाथ यहाँ पर आए थे, कौन से स्थान पर आए थे? कम से कम 5-6 महीना हो गया आके गया था। अच्छा, आप इस प्रकार का कह रहे हैं कि काफी कुछ नाथ संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो भी आता है उसकी पूरी हस्ताक्षरयुक्त जानकारी दी जाती है। और हमको आज इस स्थान पर आके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, और यहाँ की नाथ परम्परा के बारे में, नाथ संस्कृति के बारे में जानकारी मिली, यहाँ की जो तांत्रिक प्राचीन कालिक जो शक्तियाँ थी उसके बारे में जानकारी मिली, हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं श्री करुणानाथ जी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ, इन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी और बहुमूल्य जानकारी दी। श्रीमान करुणानाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।